तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं डोंगरगढ़ फुटबॉल मैच के लिए, दिव्य महाविद्यालय इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हेतु। तो यहाँ पर मित्रों वंदे भातरम ट्रेन हमारी खड़ी हो चुकी है, हमने पहली बार इसे दर्शन किए अपने राजनांदगांव में। गजब बेइज्जती है। अपन अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, सभी भाई लोग के साथ सभी बैठे हुए हैं। काफ़ी शानदार माहौल, ट्रेन में भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है खड़े खड़े। उसके बाद अपन पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन, यहां से जाना है हमको रेलवे का ग्राउंड। तो मित्रों फिर अभी अपन डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हमारे सभी गेम मित्रों के साथ। यहां हमारे सर जी और उनके साथ बड़े सर जी, तो ये हमारे टीम मेट हाथ दिखाते हुए हमारे कोच और सभी साथीगण सभी के साथ आ चुके हैं डोंगरगढ़। बात यहाँ से मित्रों आप देख सकते हैं बम्लेश्वरी मैया जी का मंदिर वाला पहाड़। यहाँ से रेलवे स्टेशन का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है, यहाँ से पहाड़ के दर्शन आपको हो जाएंगे। अरे क्या धन्नू भाई, बहुत दिनों बाद मिले, सब बढ़िया? बढ़िया भाई। और भाई आर्यन खान पता है तू सलमान खान। डोंगरगढ़ आने के बाद सबसे पहले अपन जाते हैं बुआ के यहाँ, वहाँ बनाते हैं मैगी। ये अपने द्वारा बनाया हुआ मैगी खुद ही बनाते हैं, आलू फ्राई करते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं सभी भाई लोग के साथ हमारे दो चिंटू भाई और वेदित भाई के साथ बैठ के खा रहे हैं हम मैगी। दो मिनट बनने वाली। बहुत तेज हो रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ? नींद आ रहा है भाई, सोया नहीं, नींद पूरा नहीं हुआ। ऐसा क्या, तो आज गोलकीपिंग कर पाओगे नहीं अच्छे से? तो यहाँ पे हम लोग का मैच अभी तीसरा मैच है, और तो हम लोग अभी थोड़ा वेट करेंगे। एंड अभी हम लोग के लिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए बनाना केला क्या बनाना। हमारे ब्लॉगर सोए हुए यहाँ पे बहुत आराम से मैच का आनंद लेते हुए। सामने कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है CIT और कॉन्फ्लुएंस कॉलेज का। चौकी कॉलेज एक और इन्फ्लुएंसर आते हुए इंस्टाग्राम के। अच्छे लोकेशन में है पूरा ग्राउंड, काफ़ी बेहतरीन और शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ से। यह फर्स्ट बॉल और यह सेकंड बॉल, और सब खिलाड़ीगण यहाँ पर लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। तो कुछ जिस प्रकार से आज का माहौल, तो यहाँ पे हमारे CIT के पुरू ले रहे हैं फ्री किक, और ये बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और गोल कर दिया पुरू ने। और यहाँ पे दादा भी हंस रहे हैं, देखो ना उनसे बात करके हंस रहे हैं, दादा भी हंस रहे हैं। तो यहाँ पर मित्रों इंटर कॉलेज टूर्नामेंट चल रहा, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं आप। पहला मैच खत्म हुआ, अभी सेकंड मैच चालू होगा, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अंदर दूसरा मैच चालू हो गया है यहाँ पर डोंगरगांव और कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के मध्य। यहाँ पर कॉर्नर किक मिलता हुआ कॉन्फ्लुएंस कॉलेज को। तो अभी अपन ग्राउंड के पोल के पीछे खड़े हो चुके हैं, यहाँ पर ट्रॉफी देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ट्रॉफी रखी गई है, यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है। कंट्रोल कंट्रोल। तो अभी इस मैच के पश्चात हमारा मैच होना है, तो अपन अभी चलते हैं केट अप होने के लिए। तो फिलहाल अभी अपन किट अप हो चुके हैं, यहाँ पर हमारी सारी टीम आ चुकी है, सेल्फी ले रही है, फोटो वगैरह कर रही है। यहाँ पर हमारा मैच हो चुका है। और आनंद भाई कैसा लगा आज गोलकीपिंग करके? बहुत अच्छा लगा भाई लोग का, दादा का इतना अच्छा डिफेंसिंग था, मेरे पास बॉल ही नहीं आया। एक आध सेवा का मौका मिला कि नहीं आज सेवा का मौका? प्रशांत भाई पार्थ भाई लोग इतना अच्छा डिफेंडिंग, मेरे पास एक बार भी बॉल नहीं थी, मैं दोनों मैच में जीरो। फाइनल मैच हमारा कल है, तो कल पहुँच जाइए रेलवे ग्राउंड। यह है रेलवे इंस्टीट्यूट रेलवे ग्राउंड, सुबह 8-9 बजे चालू होगा। तो अभी सब जा रहे हैं किट अप होके, मतलब भी काफ़ी हो चुकी मित्रों। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, चर्च आपको दिख रहा होगा, क्रॉस का साइन, काफ़ी बेहतरीन यहाँ से व्यू देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है डोंगरगढ़ को, प्रकृति का सौंदर्य भी कहा जाता है, बहुत ही अच्छे अच्छे सीन है यहाँ पर। ये हमारी टीम। शाम को यहाँ पर बुआ जी की बेटी यहाँ पर हमारे लिए पापड़ तल रही है और खाते खाना। शाम को खाना ना खाने के बाद बुआ के यहाँ से अपन आ चुके हैं मुरमुंदा, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर उमेश भाई के शॉप। क्या उमेश भाई, क्या भाई कैसा है? बढ़िया हूँ।
बहुत तेज हो रहे हो हैं। उमेश भाई के घर आ चुके हैं यहाँ पर। अरे क्या बॉस, क्या जी, सब बढ़िया? और बढ़िया एकदम, बताइए आप। आज भी हम लोग उमेश भाई के यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर आराम से चाय वाय पी के सब चीज करके। तो आज बनी रहिए मेरे ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए। कल है मेरा फाइनल मैच जो कि सभी को देखना है। तो नाइट हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं भाई लोग के साथ जा रहे हैं डूंगरगढ़ वापस इतनी स्पीड में अपन। यह है मित्र प्रज्ञागिरी का रोड, यहाँ से ऊपर जाते हैं प्रज्ञागिरी। नाइट में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो चलते हैं अपन। वहाँ से ऊपर बम्लेश्वरी मैया का मंदिर दिख रहा है। ये हमारा डूंगरगढ़, डूंगरगढ़ वहाँ है, डूंगरगढ़ बम्लेश्वरी मैया का मंदिर। आप कहाँ? अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। ट्रेन अभी तक इधर बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, चारों ओर दर्शक ही दर्शक, सभी घर जाने के होड़ में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये भाई लोग जबरदस्ती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आखिरी में उन्हें उतरना पड़ा क्योंकि ट्रेन चलेगी दोस्तों तो कहाँ ही घुसेंगे। वहाँ से भी सभी को विदा करके अपन अभी आ चुके हैं दाबेली वगैरह खाने के लिए। यह रहे मेरे चाउमीन, खा पी के फिर ना गुड नाइट। अमित्र टूर्नामेंट का समापन हो चुका है, अब यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग अतिथि आए हुए हैं, हमारी टीम सभी बैठी हुई है तो अभी सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेहरू महाविद्यालय के प्रिंसिपल मैडम जी का जन्मदिन था तो सभी ने यहाँ पर जन्मदिन मनाया उनका, उसके बाद फिर सभी सेलिब्रेट किए। तो दादा हो तो चार टुकड़ों की चांदो ना टूर्नामेंट जीत चुके हैं। ये रहा अपना व्लॉग, अब एंड करता हूं। आ जा रहे हैं, हां यार क्या हार चुके हैं, सेकंड ना है, 3 साल से सेकंड ही आ रहे हैं, अगले साल हार्ड लग नहीं रहा। और ये भाई लोग आज जीत गए हैं। चल भाई पीछे कैमरामैन क्या ना चाहिए ना, कैसा लग रहा है भाई? फुल खुश, ट्रॉफी तो तीनों बार ट्रॉफी पकड़ रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे लेकिन सब फाइनल पहुंचे भाई लोग। क्या है अब घर निकलने की बारी, अपन निकलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब यहाँ सभी घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, भाई लोग के साथ कार में निकलते हैं अपन रानगो के लिए। तो अभी अपन जा रहे हैं मुसरा साइड से। तो ये हमारी ट्रॉफी आज की कुछ इस प्रकार से थी दोस्तों। तो मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच। डोंगरगढ़ के बाद हम शाम को आ चुके हैं अपने दिग्विजय स्टेडियम यहाँ, उसके बाद फिर चलते हैं दिग्विजय कॉलेज। मेहनत कर रहे हैं हमारे आर्यन भाई गर्ल्स की टीम के कोच बन के जाएंगे कल। सुनो ना, उसके चक दे इंडिया के कबीर खान टाइप की गर्ल्स की टीम के ये सब भी कॉलेज के ट्रॉफी ले सर के बदौलत इतना सारी चीजें आई हैं। विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ दो शब्द बोल दो सर। रोज मेहनत करो, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट। और जो हमारा मैच हुआ उसका क्या रिव्यू था सर आपका? लॉन्ग पास कम चल रहा है। अगले साल दादा संभाल लेंगे पूरा, राज भाई भी संभाल लेंगे पूरा। लॉन्ग पास मत करो बोलते हैं सर, लेकिन बहुत मेहनत की, हमारे पीछे ट्रेन में भी आए हैं रात में। अगले साल सर आपको ना ट्रॉफी हम लोग जिताएंगे, यही व्लॉगिंग में बोल रहा हूँ। क्या पता पा। उसके बाद फिर अपन मम्मी को लेकर चलते हैं मार्केट, फिर वहाँ से हमारा व्लॉग देखिए एक भाई लोग के द्वारा बनाया हुआ काफी शानदार। मिलते हैं न्यू व्लॉग में।